ऐसी कर्मचारियों को ज्यादा देर जा रहे हैं डीए के रूप के उन्होंने ऐसी 11% डीए के वाधा कर दिता। अज तो असी इस हूँ इन लागू कर रहे हैं। टोटल 14% पेंडिंग है, लेकिन 3% अजे हमने हुए वो प्रोसैसिंग होएगी, वह सारा कुछ होगा, लेकिन 11% असी लागू कर रहे हैं। बहुत सोच विचार के रात को सारी सारी रात ला के सोचते हैं कि किस तरह साढ़े FMP इस कि किस तरह जे पैसे की कोई राहत देनी है तो वो जनरेट कितों कर रहे हैं, उसका हल किस तरह कढ़ना है। अज असी पंजाब के लोगों बिजली के रूप के बड़ा तोहफा दिवाली का देन जा रहे हैं कि सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे, अज तो ही लागू कर रहे हैं। जे अज तो लागू ना करें तो पहला बिल तो साढ़े टाइम आना ही नहीं किसी को, 2 महीने बाद पता लगेगा भी इधर बहुत फायदा हो गया। अज तो शुरू हो गया सब तो बड़ी खुशखबरी के यह पंजाब के अज जे मैं रेट तय करते हैं पूरे देश में सब तो सस्ते दे रहे हैं। 14,000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुणा ज़्यादा के ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जी सानू क्वालिटी बिजली दो ते सानू सस्ती ते सही बिजली दो पूरे टाइम दो। उस तो अलावा जे वो 200 तो उपर बढ़ते हैं ता भी उन्होंने 3 रुपये बिजली सस्ती कर दी है ते बाकियां दी भी सस्ती कर दी। ये जेड़ा असी 3 रुपये यूनिट रेट दे रहे अज माफ किया है, ये कोई जात का कम नहीं है, ये कोई धर्म का कम नहीं है, ये सिंपल ये है कि 7 किलोवाट तक जिहदा भी लोड है चाहे शहरी है चाहे पेंडू है चाहे किसी बरादरी का चाहे किसी धर्म का वो घर वास्ते सारे असी 3 रुपये बिजली सस्ती कर। मैं 2 स्पेसिफिक एजेंडिया से थोड़े ना गल कराँगा, लेकिन अज मेरी सारे रिक्वेस्ट है कि जेडे मैं 2 इशू लेके आ रहा सवाल जवाब भी उन्हां दी करांगा ताकि मेरे जिहड़ा एजेंडा है वो डाइवर्ट ना होवे। सरकार दे विच बहुत ऐसे इशू होंगे जिहड़े कि तुसीं होर भी रेज करना चाहुंदे होंगे वो किसी टाइम फेर करना कि नहीं तो ऐ ना होवे कि तुसीं कोई ऐसी गल छेड़ लो जिहड़ी ऐ नूं लेके बैठ होर पाए ए संबंध च मैं लै लाँगा। इस तो बिना तुसीं ही ना करियो मैं होर कोई गल नहीं करनी इहदे बारे च करांगा। सो सब तो पहला तो आप सारिआं नूं पंजाबीआं नूं देशवासियों आने वाली दिवाली दी बहुत बहुत बधाइया हो, बहुत बहुत शुभकामनावां। पंजाब तरक्की करे, आने वाले समय च असी एक वखरा सुनहरा पंजाब सिर सकीए वधिया सिर सकीए उस लई मेरी शुभकामनावां है, यही मेरी कामना है। सो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके पर कर्मचारियों ऐसी एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए। अज तक कदे कर्मचारियों को इस तरह का उपहार शायद नहीं मिलिया जिड़ा वड्डा मैं अज ले रहा। और मैं थोनों ये दसना चाहता कि काफ़ी दिनों तो मेरे बन तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल से सी, फिर काफ़ी देर नहीं रहे हूँ कुछ दिनों तो सी, अज सवेरे मेरी उन्होंने बैठ के गल हो गई है। उपहार जिहड़ा मैं हुण थोनों दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया तो उन्होंने मैं ये भी कमिटमेंट दी है कि इस सरकार का जिहड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाईज हड़ताल पर नहीं जाएंगे बैठ के गल कर। ये भी साढ़े वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाईज के सिर पर चलती है अफसर के सिर पर चलती है वह एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दियां जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनों इंपलाईज के थ्रू होंदा है। ये कोआर्डीनेशन बहुत जरूरी है इंपलाईज की सरकार की कि उस रहे और कोआर्डीनेशन के नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब के फैसले लागू हो सरकार अगे वधे पंजाब तरक्की करे बड़ा जरूरी है। मैं
कर्मचारी यूनियनां जिहड़ियां अज्ज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्यवाद करदा कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असी जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे हड़ताल नहीं करांगे। सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों नूं जारा देण जा रहे हैं डीए दे रूप दे विच। उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता। अज तो असी इस हुण इहनूं लागू कर रहे हैं। टोटल 14% पेंडिंग है लेकिन 3% अजे हुणे होया है ओदी प्रोसैसिंग होएगी ओदा सारा कुछ होएगा लेकिन 11% असी लागू कर रहे हैं। इसलिए कर्मचारियों नूं ए मैं तुहानूं सारी डिटेल दसांगा इहदे बारे जिहड़ी होर डिटेल देना चाहुंदे हो। ते 11% असी दे रहे ते इहदे विच 440 करोड़ रुपया पर मंथ सरकार नूं एक्स्ट्रा देना पए करेगा। इहदे वास्ते सारे कर्मचारियों नूं बहुत बहुत बधाई। मैं भी बधाई दे दो मेरी घरवाली की तनखा बच जानी है तो मैं उन्होंने भी जाके दूंगा। मेरी बिजली का बिल मेरी वाइफ दिंदी है और जब बिजली का बिल आता है तो मेरे ना अखा जी औखिया जी कट के देखती है ये इन्ना बिल मैं कितने से जमा करा वो खाते चो जाता है। सो वो भी मैं हूँ निबेड़न लग्या कि मैं घर में भी थोड़ी जी खुशी मिले हर एक पंजाबी अपने घर के खुशी मिले। देखो गल ये है कि पंजाबियों वास्ते ज्यादातर छोटी पई भी है पैर बाहर कटे हुए सरकार ने खर्चे इन्ने पेंदे है कि वह झले नहीं जाते। मैं एक सर्वे कराया सी हुणे उहदे च लोग कहते हैं यार फीस दे के बिजली का बिल दे के बच्चों की फीस नहीं बचती या बिजली का बिल दे के फिर घर किस तरह चलाना है। तो बिजली का बिल एडे एडे वे आने लगे हुए है जिदे करके लोगों का नुकसान हो रहा और एक बड़ा भारी इशू पंजाब दे विच बनिया होया कि बिजली होगी या क्या होगी असीं घर किस तरह चलाना। सरकारां नूं इस तरीके दे टैक्स और उगराही या बिजली दे होर पानी दे खर्चे अपने नागरिकां ते पाउणे चाहीदे जिहड़े उह सही तरीके नाल सह सकण झल सकण। जे सरकारां ही टैक्स इन्ने लगा देणगियां कि उहनां दे वित्त तों बाहर हो जाएगा फिर माहौल बिगड़ता फिर सुइसाइड हुंदे आ फिर घरां दे विच कलेश हुंदे आ। कहिंदे जिहदे घर विच दाणे उहदे कवड़े भी सियाणे जद घर दे विच तंगी आउंदी आ तां लड़ाइयां शुरू हो जांदियां आ साडा बिजली दा बिल तंगी देई जा रिहा। सो अज असीं इहदा मसले नूं हल करन जा रहे हां कि बिजली दे बिल तों घट ते घट परेशानी ना होवे। सो अज सरबसम्मति दे नाल साडी कैबिनेट ने जो फैसले ले उहदे विच मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा हां कि ऐसी हर चीज नूं ऐवें नहीं है कि कई यह भी गल हो जाती कि जो वोटां आ गईयां तां शायद तां इह कोई फायदा दे रहे नहीं इस तरह नहीं। मैं ते मेरी कैबिनेट ते असीं सारे जाने बहुत सोच विचार के रात नूं सारी सारी रात ला के सोचते हैं कि किस तरह साढ़े FMP इस दे विच कि किस तरह जे पैसे की कोई राहत देनी है तो वह जनरेट कितों करना है उहदा हल किस तरह कढ़ना है। बिजली दे कम्मां दे विच ही बिजली का हल सी लेकिन कर नहीं सी रहीआं सरकारां। तुसीं इह देखो कि GVK साडा जिहड़ा गोइंदवाल वाला वह सानूं 670 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहा है और जदों वह बनिया है तो कोई टेंडर नहीं कटिया कोई किसी से बिड नहीं लिया दो जने बैठे इधर सरकार बैठ गई इधर वो बैठ गए समझौता करके भी चलो इन्ने रुपये पर कर चलो खत्म। जे कंपीटिशन होया उनका सही रेट आते हूँ सानू 670 रुपये बिजली उन्हों की पैंती है। सो ऐसी उन्होंने टर्मीनेशन का नोटिस देता है वो महंगी बिजली लेनी बंद कर रहे हैं। ऐसी हूँ अपना टेंडर कटिया 500 MW का पूरे सानू जी बिजली का रेट आया 2.38 रुपये सानू बिजली मिल रही
सोलर पावर ऐसी नवा टेंडर दिता है। पिछले सरकार ने 670 रुपये लेना कर ऐसी 2 रुपये 38 पैसे लेने लगे है बिजली ते जेड़े 70 रुपये वाले 6 रुपये वाले जे भी के वगे वो है उन्होंने ऐसी कैंसल करना है उन्होंने टर्मीनेशन कर रहे सारा सोलर सिस्टम आने वाले पीपीए हाँ जी पीपीए टर्मीनेट कर रहे ते ऐ सैशन दे विच ऐसी तिन्ने जेड़े सारे पावर प्लांट है इन्हां तिन्ना दे पीपीए दोबारे तो कंसीडर करा गए विधानसभा ते उहदे विच सरकार नवे बिल लेके जाएगी। तिन्ना बारे क्या क्या हो तुहानू अजे असीं नहीं पंडोरी खोल दे मौका आएगा वह भी खोलांगे किस तरह से करना फिर उहदे नाल क्या है इत्थों कोई स्टेटमेंट हो जाए तो उहदे अगले कोटा वध चले जाते होर वध चले जाते लेकिन असीं इन्हां तिन्ना दे बिलां नूं एग्रीमेंटां नूं दोबारे रीकंसीडर कर रहे हैं लेजिस्लेशन लेके जावांगे ते विधानसभा दे विच डिस्कस करांगे जिवें विधानसभा च आएगी पंजाब दे हक्कां वास्ते उस तरह इस नूं अगे सोचा जाएगा। अजे तां मैं कहा ही नहीं 2 रुपये 33 पैसे साडा सोलर दा रेट आया जिहड़ा कि मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सो ऐसी यह तरीका अपनाया कि आप घर सस्ती खरीदिए अज साडा जिहड़ा रेट है तुसीं हैरान हो गए कि अज जिहड़ी असीं रेट ते बिजली खरीदी है वह 2 रुपये 60 पैसे सानू अज बिजली मिली है थर्मल दी थर्मल एक्सचेंज दे विच पावर एक्सचेंज तो सानू 2 रुपये 65 पैसे बिजली मिली है। यह साडे काबिलियत अफसरां दी है साडी सरकार दी है कि ऐसी बिजली सस्ती खरीदनी शुरू कर दी है सस्ते टेंडर कर ले है महंगिया के टेंडर के दुबारे विचार कर जा रहे हैं इसलिए अज ऐसी पंजाब के लोगों बिजली के रूप के बड़ा तोहफा दिवाली का दिन जा रहे हैं कि सारे रेट 3 रुपये घट कर रहे 0 to 7 kW तक की जी स्लैब है जिदे 95% पब्लिक के लोग आते हैं 95% लोग उन्होंने जोड़ा टैरिफ है वह 3 रुपये घट कर रहे हैं। मैं तुम दस दिना कि हो जाएगा डोमैसटिक की गल कर 100 यूनिट तक साडा जोड़ा रेट है 4 रुपये 19 पैसे है ये सिर्फ 1 रुपया 19 पैसे रह जाएगा। मैं तुम्हें दस दिना कि पिछले दिनों के मैं एक सर्वे टीम पंजाब के भेजी है उन्होंने तो मैं ये मंगया जी लोग क्या चाहते 300 यूनिट माफ चाहते हैं या सस्ती बिजली चाहते सही रेटा चाहते पंजाब के अड़खीले लोग वो कोई भी फ्री की दात लेने तैयार नहीं है जो मैं रिपोर्ट आई हैं जो सर्वे के निकल के आया वो चाहते हैं सानू बिजली सही मिले पूरी मिले टाइम सिर मिले जावे ना बिजली वोल्टेज पूरी हो सानू साडे वित्त के अनुसार सस्ती बिजली मिले जिन्हें की सरकार घट तो घट दे सकती असी उस तो भी घट देनी अज तय कर ली है असी 1 रुपये 19 पैसे छोटे कंज्यूमर जिन्होंने 100 वाट तक करनी है 100 वाट तक यूनिट तक साडा रेट 1 रुपये 19 पैसे हो गया 4 रुपये 19 पैसे तो घट गए तो 300 यूनिट तक साडा रेट 7 रुपये तो घट के 100 to 300 तक 4 रुपये रह गया 4 रुपया 1 पैसे ते उस तो अब 5 रुपये 76 पैसे रेट रह गया है ते बहुत ही सस्ती लगभग यह है कि जेडे थोड़े छोटे कंज्यूमर है उन्होंने तो बिल ना दे बराबर आना है जेडे बड़े है उन्होंने भी बिल किसी का भी अद तो ज्यादा नहीं आना यह स्थिति बन गई। सो पंजाब के लोगों को बहुत बहुत मुबारक है अज तो ही लागू कर रहे हैं
ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 2,38,000 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ 72,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, 72 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 72 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਵਿਊ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਰੀਮ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ BBAC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਓ। ਕਰੀਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ, 5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ 92% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹਤ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਟਿਕਾਊ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਸਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, 3,316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਹੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 2,200 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 3,316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10,628 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, 14,000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ 100 ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 300 ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਫ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਟਦੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 301 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ,
पंजाब सरकार ने 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर दी जेडे के 1 किलोवाट तक दे कंज्यूमर है गरीब है बहुत उन्हां दी माफ कीती हुई उन्हां दी 200 यूनिट माफ रहेगी। उस तो अलावा जे वो 200 दे उपर बढ़दे है तां भी उन्हां दे 3 रुपये बिजली सस्ती कर दिती है ते बाकियां दी भी सस्ती कर दिती है। इहदे विच जेड़ा असीं 3 रुपये यूनिट रेट दे दे अज माफ कीता है इहदे च कोई जात दा कम नहीं है ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 53 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਲੈਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੀ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।